हेलो बच्चों, हेलो प्यारे प्यारे बच्चों बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर नंबर 5। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। प्रोजेक्टाइल मोशन का बेटा ये सेकंड लेक्चर है। इसका जो पहले वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के बारे में सारी बातें बता दी थी कि ग्राउंड से हम पार्टिकल को फेंकते हैं तो उसकी रेंज कितनी आती है, उसका कितना हाइट अचीव होता है, उसका कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। साथ ही में हमने आपको बता दिया था ऑलरेडी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर जब पार्टिकल्स को फेंका जाता है तब क्या हाइट रेंज किस तरीके से आपस में वो करते हैं रिलेट। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन 2। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 के अंदर हम एक टावर से फेंकेंगे या हम इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर फेंकेंगे, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक एडवांस्ड वर्जन आपके सामने आज आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का अपना लेक्चर। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो जो फॉर्मूले हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के करे थे वो फॉर्मूले बेटा यहां पर लागू नहीं होते हैं। वो फॉर्मूले यहां पर लागू नहीं होते हैं, वो उसी के लिए लागू होते हैं कि ग्राउंड से फेंका और वापस से पार्टिकल ग्राउंड पर आकर आपने पकड़ा। ग्राउंड से ग्राउंड के लिए ही वैलिड है, टावर से फेंकने पर पुराने वाले फॉर्मूले आपके एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है ना, तो खैर हमें वो फॉर्मूले यूज करने नहीं है आज की क्लास में बहुत ज्यादा कुछ। ठीक है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात है यहां पर मैं रिवीजन के रूप में आपके सामने रख देता हूं कि वो कौन से फॉर्मूले थे आपके पास ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल वाले। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर से। ओके, तो एक हल्की सी रिविजन हम यहां पर कर लेते हैं। एक स्लाइड यहां पर एड करके हम यहां पर एक थोड़ी सी रिविजन देख लेते हैं बेटा। ओके, तो ग्राउंड टू ग्राउंड जिसमें हमने कहा था कि एक प्रोजेक्टाइल को हम जमीन से फेंककर जमीन पर ही पकड़ेंगे, उसके लिए हमने कहा था ये होती है रेंज, ये होती है बेटा हाइट अचीव्ड, और जो पूरा समय होता है वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। वो पूरा समय होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने कहा था कि जो भी आपके पास वेलोसिटी होती है उसके हमें करने पड़ते हैं दो टुकड़े। ये हमने एक्स एक्सिस ली थी, ये हमने वाई एक्सिस ली थी, और हमने यहां पर यू लिया था, ये एंगल थीटा लिया था। तो इस कंपोनेंट को थीटा के साथ वाले कंपोनेंट को हमने यू एक्स कह दिया था, इसकी वैल्यू यू कॉस थीटा आ गई थी। ये वाला कंपोनेंट बेटा यू वाई आ गया था और इसकी वैल्यू को आप यू साइन थीटा बोल पा रहे थे। और एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 था और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में -g था। अब यहां पर हमने कहा था कि जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उसका फॉर्मूला होता है बेटा 2u sin θ/g या फिर 2uy/g। जो मैक्सिमम हाइट होती है बेटा उसका फॉर्मूला होता है u² sin²θ/2g या फिर uy²/2g, और रेंज का फॉर्मूला आता है बेटा u² sin²θ/g या फिर 2uxuy/g। ये फॉर्मूले हम ऑलरेडी अब देख चुके थे। ठीक है, आज की क्लास में हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड की बात नहीं करेंगे, हम एक टावर से थ्रो करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते बेटा जब हम टावर से थ्रो करते हैं तो क्या होता है। ओके, तो ऐसे में अगर हमारे पास एक टावर है, कुछ इसकी हाइट है h, इसके ऊपर से हम यहां पर थ्रो करने वाले हैं एक पार्टिकल को, तो ये पार्टिकल को थ्रो कैसे करेंगे। अगर हमने इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया ये कुछ इस तरीके से जाकर यहां कहीं पर लैंड करेगा। ठीक, तो अगर हमने यहां पर इस डायरेक्शन को x कह दिया, अब यहां से ऊपर वाले को आप y ले सकते हैं या नीचे वाले को y ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि ऊपर तो कुछ जा ही नहीं रहा, सब नीचे ही जा रहा है, तो इसलिए बेटर रहेगा कि अगर मैं नीचे वाले डायरेक्शन को y ले लूं। अगर मैंने नीचे वाले डायरेक्शन को y लिया तो अब जो क्वांटिटी नीचे की तरफ होंगी ना वो पॉजिटिव कहलाएंगी, वो पॉजिटिव कहलाएंगी, जो नीचे की तरफ होंगी वो पॉजिटिव कहलाएंगी। अब देखिए यहां पर अगेन
एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलरेशन होगा नहीं, ए एक्स तो होगा जीरो, लेकिन वाई में हमारे पास एक एक्सलरेशन आ जाएगा, वाई में होगा बेटा जी, इस बार प्लस जी लेना पड़ेगा हमको, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सलरेशन है, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था एक्सलरेशन किस तरफ होता है बेटा, एक्सलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में होता है, फोर्स नीचे है इसलिए एक्सलरेशन भी कहां है, नीचे है। अब क्योंकि एक्सलरेशन बेटा हमारे पास यहां पे नीचे है, ए वाई हमने लिखा प्लस जी, क्योंकि नीचे वाली डायरेक्शन थी पॉजिटिव, नीचे वाली डायरेक्शन थी पॉजिटिव, इसलिए ए वाई आया प्लस जी के बराबर, इसलिए ए वाई आया प्लस जी के बराबर, ठीक है, ए वाई है प्लस जी, ए एक्स है जीरो, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में आपने दी है, आपने इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में दी है, तो यू एक्स आपके पास है, यू एक्स आपके पास यू है, और यू वाई कितना है बेटा, यू वाई तो इनिशियली आपने इस डायरेक्शन में इसको रफ्तार नहीं दी है, नीचे वाला एरो बिल्कुल ही जीरो रफ्तार से जा रहा है, यू वाई एकदम कितना है हमारे पास बेटा, शून्य है, जीरो है, ठीक है। लेकिन जब ये आगे बढ़ेगा, जब ये आगे बढ़ेगा तब क्या होगा, आगे बढ़ने पर देखो बेटा, जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वी एक्स वो u के बराबर ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा नहीं रहा, इसलिए इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट बनी रहेगी। लेकिन नीचे वाला जो वेलोसिटी है ना वो इंक्रीज करेगा, वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है, नीचे वाला जो वेलोसिटी है बेटा वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो इसकी एक नीचे की तरफ एक छोटी सी वेलोसिटी आ जाएगी, और नीचे जाएगा बेटा तो क्या होगा, और नीचे जाने पर बेटा ये वेलोसिटी और इंक्रीज करेगी, और नीचे जाने पर क्या होगा बेटा, ये वेलोसिटी और इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा ये वाला कंपाउंड क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा, ये वाला कंपाउंड क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन जो ये वाला कंपाउंड होगा ना बेटा ये फिक्स्ड बना रहेगा, ये वाला कंपाउंड फिक्स्ड बना रहेगा, नीचे वाला कंपाउंड क्या होगा, राइज करता चला जाएगा, इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। आगे बात समझ में आपको, यहां पर आने पर इसके इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको रेंज बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोल सकते हैं बेटा इसको, कि आगे कितना गया, आर गया, और जितनी देर में हवा में रहा वो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको हम टी बोल देंगे, वो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको हम टी बोल देंगे बेटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी हो जाएगा, रेंज हमारे पास यहां पर कितना आ जाएगा बेटा, आर आ जाएगा, रेंज आर आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट टी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में आपको, ओके बढ़े आगे बेटा। अच्छा इस चीज को थोड़ा सा विजुलाइज करके देखते हैं, थोड़ा सा विजुलाइज करके देखते हैं बेटा इस चीज को, देखो देखो आपके सामने एक एनिमेशन अब आ गया है, ठीक है, बढ़िया से देखना है इसमें। इसमें यहां पर एक हेलीकॉप्टर वाला है जो एक पार्टिकल को शूट करने वाला है, एक एरोप्लेन को यहां पर यह शूट करेगा, रॉकेट को यहां से शूट करेगा, देखते क्या होता है। जब ये यहां से इसको शूट करेगा तो ये इस तरीके से जाएगा, बड़ा तेज निकल गया, थोड़ा सा आराम देखेंगे इसको। आइए अब स्टेप बाय स्टेप देख रही है, यहां पर जो ये कंपाउंड है वो देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता, ये वाला कंपाउंड कांस्टेंट बना हुआ है, ठीक है ना। फिर से देखते हैं एक बार इसको देखिए पहले हमने यहां पर दिखाया कि यहां से जा रहा है, ठीक है, और तेजी से निकल गया ये, अब ये वापस आके आपको दिखाएगा आराम से स्टेप बाय स्टेप। देखिए ये वाला कंपाउंड बढ़ रहा है, ये वाला कंपोनेंट कांस्टेंट बना हुआ है, ये कंपाउंड कांस्टेंट है, ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से यहां पर होता है, तभी क्या हो रहा है, ये नीचे 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 और रफ्तार से तेजी से नीचे जा रहा है। अगर नीचे वाला ये इंक्रीज नहीं करता तो क्या होता, देखो बेटा देखो अगर ग्रेविटी नहीं होती तो रॉकेट ऐसे जाता, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो रॉकेट ऐसे भाग जाता, नीचे नहीं जाता, अब रॉकेट बिल्कुल सीधा ऐसे भाग जाता, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी है, ग्रेविटी है, उसकी वजह से ग्रेविटी से क्या कर रही है, नीचे की तरफ पुल कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है, नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है कुछ, ठीक है। अब धीरे धीरे देखो क्या हो रहा है, इसका नीचे का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है ग्रेविटी की वजह से, और साथ ही में जो नीचे वाला कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो भी इंक्रीज कर रहा है। जब ये यहां पर आया तो इसका वेलोसिटी का जो कंपोनेंट, ये तो कांस्टेंट ही बना रहेगा, ये वाला कंपोनेंट धीरे धीरे राइज करेगा, यहां पर इतना होगा तो जब यहां पर आएगा तो यहां पर और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जब यहां पर था तो यहां पर और भी छोटा था, यहां पर मान लेते यहां पर और भी ये छोटा कंपोनेंट था, ठीक है, ये वाला तो सेम था, ठीक है, इसके बराबर ये बहुत ही छोटा था, और यहां पर तो बिल्कुल जीरो ही था, ठीक है। एक बार फिर से आगे देख लेते हैं इसको तो आप देखेंगे यहां पर किस तरीके से यहां पर इसी कंपोनेंट जो है वो राइज कर रहे हैं,
ठीक है, जब यहां पर आएगा तो छोटा कंपोनेंट था, यहां पर थोड़ा और बड़ा हुआ, यहां पर और बड़ा हुआ, और अल्टीमेटली वहां पर पहुंच गया। नीचे वाला कंपोनेंट इंक्रीज कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, ये वाला कंपोनेंट चेंज बेटा नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं कि हमने दो नाम लिए टावर से फेंकने पर, हमने दो नाम लिए बेटा। एक तो हमने नाम लिया यहां पर कि कितना आगे जाके गिरेगा, कितना आगे जाके गिरेगा, ठीक है बेटा, कितना आगे जाके गिरेगा, इसको बोलते बेटा रेंज, इसको बोलते हैं रेंज, ठीक है ना। ये हाइट हमारे पास एच है और ये हमने नीचे की तरफ क्या ले रखा है, वाई ले रखा है, आगे की तरफ हमने एक्स ले रखा है, ठीक है। और दूसरा हमने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर ये हवा में रहा, कितनी देर ये हवा में रहा, ये दो बातें हम यहां पर पूछ सकते हैं। यहां पर यह भी पूछ सकते हैं कि टाइम टी के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी, नीचे वाला कंपाउंड निकालना पड़ेगा उसमें आपको, या एच डिस्टेंस नीचे आया तब यहां पे क्या रफ्तार होगी, ये भी पूछ सकते हैं आपको। तो ये वाला रफ्तार जो ये वाला कंपाउंड होगा ये तो यू ही बना रहेगा, ये वाला इंक्रीज कर चुका होगा। तो देखते हैं, निकाल के देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का बेटा मतलब होता है कितनी देर ये हवा में टिका रहा, कितनी देर इसने हवा में बिताई है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने कहा कि देखो यहां से लेकर जब ये यहां पर आया तो नीचे आ रहा है कितना एच डिस्टेंस, तो यहां से लेकर यहां तक अगर मैं इसको इनिशियल मान लूं और इसको फाइनल मान लूं, ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक इसका एस एक्स कितना है तो वो होगा आर, एस वाई कितना है तो वो होगा प्लस एच। एस एक्स, एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना चला तो वो चला आर, एस वाई मतलब वाई में कितना आया, नीचे कितना आया तो वो आया एच, तो आर एंड एच, आर एंड एच, समझ गए बात आप लोग। अच्छा भाई ux कितना है, ux u के बराबर है, uy कितना है तो uy जीरो है। यहां पर हमने इसको अगर ऊपर फेंका होता तो एक uy आता, नीचे यहां पे फेंका होता तो भी एक uy आता, ऐसे फेंका है तो uy कुछ भी नहीं है, uy अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। टाइम हमें निकालना है, तो देखो बेटा तो हमें यहां पर r गिवन नहीं है, h गिवन है, uy गिवन है, U given है, ठीक है। अगर मैं y direction में देखूं तो मेरे पास दो चीजें given हैं, sy and uy, so I'll use the equation to find time, I'll use the equation that sy is equals to uyt plus half ay into t square, मैं ये वाले equation का इस्तेमाल कर दूंगा, ठीक है। sy मेरा कितना है बेटा, h है, uy जीरो है, ay g के बराबर है, प्लस g के बराबर है ay, क्योंकि नीचे direction को मैंने पॉजिटिव माना हुआ बेटा, ay मैंने पॉजिटिव माना हुआ, ax जीरो है, नहीं ये ax भी गिवन है, ay भी गिवन है, यहां तीन गिवन है, वहां पे दो गिवन है, इसलिए मैं ये का इस्तेमाल कर रहा हूं, इनटू t स्क्वायर। तो यहां पे t की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, t की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 2h / g आ जाएगी, t की वैल्यू आएगी बेटा अंडर रूट ऑफ 2h / g आ जाएगी। अब ये फॉर्मूला आपको बेटा याद कर लेना है, इसको याद करना है बेटा, ठीक है, समझना है बेटा आपको, क्लियर हुई बात आपको, समझना है दैट t की वैल्यू कितनी होती है, रूट 2h / g, रूट 2h / g इसकी वैल्यू होती है, t is equals to root 2h by g, ये आपको करना है बेटा याद, ओके। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, t की वैल्यू समझ में आई, r कितना होगा, r कितना होगा, आगे कितना गया, r कितना होगा, तो हमने बोला r is nothing but displacement in x direction, ठीक है, ये निकालना है, अब हमें r निकालना है, तो I am going to use uxt plus half axt square। अब मुझे t मालूम पड़ चुका है, अब मुझे t मालूम पड़ चुका है, ux भी मालूम है, तो मैं r निकाल लूंगा, तो r की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, r की वैल्यू आएगी ux जो कितना है u के बराबर, और t कितना है अंडर रूट ऑफ 2h / g। ये दो फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बेटा, एक टावर से फेंकने के लिए दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके पास है। r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये आ गई u अंडर रूट ऑफ 2h / g, और t की वैल्यू आ गई रूट 2h / g, रूट 2h / g, ठीक है बेटा। तो रूट 2h / g इज द रेंज और इज द टाइम, and range is u into root 2h by g, u into t, basically u into t is r, r is nothing but u into t, क्योंकि x acceleration तो है ना इस direction में, तो speed into time करना होगा, r is equal to speed in this direction into time, speed in this direction into time, simple आपका answer ही निकल जाएगा, ठीक है बच्चा, समझ में आया आपको बात, clear हो गया, तो बढ़ते हैं यहां पर आगे। अच्छा यहां पर मैंने कहा कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि vy कितना हो जाएगा, ये vy कितना हो जाएगा, तो कोई अगर आपसे vy पूछ ले, अब देखो vy पूछा गया आपसे, vy पूछा गया आपसे कितना होगा, ठीक है, आप चाहें तो vy को बोल सकते हो, t मालूम पड़ चुका है ना आपको, तो आप ये बोल सकते हैं vy के लिए,
वीवाई के लिए आप बोल सकते हैं दैट वीवाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वीवाई कितना आएगा बेटा, यूवाई कितना है हमारे पास, यूवाई कितना है जीरो है, यूवाई कितना है जीरो है, ए वाई कितना है जी है, और टी कितना है बेटा, टी कितना है रूट टू एच बाई जी। तो सॉल्व करके वीवाई आपको मिलता है अंडर रूट ऑफ टू जी एच। सो वीवाई हमें मिल गया रूट टू जी एच, वीवाई मिल गया रूट टू जी एच, ठीक है बेटा। और यू तो यू है, यू तो यू है, ठीक है ना। तो वर्टिकल कंपोनेंट एच हाइट गिरने के बाद रूट टू जी एच हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट एच हाइट गिरने के बाद रूट टू जी एच हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू ही बना रहा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू ही बना रहा। ये दोनों बातें आपको आ गई होंगी समझ, ठीक है। समझ में आया तो बेटा ठोको ताली, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने क्या दिखाया आपको, यहां पर हमने दिखाया कंपोनेंट किस तरीके चेंज हो रहे हैं। एनिमेशन देख के बेटा मजा आया हो तो बेटा ठोको ताली, ठीक है। फिर यहां पर मैंने आपको दिखाया कि हमारे फॉर्मूले क्या है, ठीक है। इसके बाद हम यहां पर बात करते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की। किसकी बात करेंगे बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब मैंने क्या बताया था आपको कल कि ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है बेटा पाथ, जिस रास्ते पर गया। इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच का जो रिलेशन है वो है इक्वेशन। ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, पाथ की इक्वेशन, पाथ की इक्वेशन आपको निकालनी है, ठीक है। हमने कहा कि हमारे पास ये एक टावर है, यहां से एक पार्टिकल को फेंक दिया हमने, पार्टिकल गया टकराया यहां पे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और पार्टिकल कुछ ऐसे जाके टकरा रहा है, ठीक है। अब अगर ये पार्टिकल यहां कहीं पर आ रहा है, ये हमारे पास कुछ U था तो U ही रहेगा, और नीचे वाले डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आने की वजह से ये वाला कंपोनेंट इंक्रीज कर रहा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं मान लिया t टाइम में ये पार्टिकल चल के यहां पहुंच रहा है, पार्टिकल चल के यहां पहुंच रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ x, y हो जाएगा। हमें इस x, y के बीच में ही रिलेशन निकालना है, मतलब ये कुछ x डिस्टेंस चला होगा ऐसे, कुछ y डिस्टेंस चला होगा ऐसे, कुछ x ऐसे चला होगा, कुछ y नीचे चला होगा, ये x हो गया, ये y हो गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि x क्या चीज है, व्हाट इज x? तो x होगा बेटा uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर होगा, यही होगा ना। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ux कितना है u के बराबर, t तो t ले लेते हैं, ax होता है जीरो, तो यहां से x की वैल्यू ut के बराबर आ चुकी, x की वैल्यू ut के बराबर आ चुकी। अब y की बात करते हैं, तो y क्या होगा बेटा, y होगा uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। तो कितना नीचे आएगा जानना चाहते हैं, यू वाई की वैल्यू जीरो हमारे पास, तो हम बोल रहे हैं वाई इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ। नीचे कितना आएगा, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितनी है बेटा, प्लस जी है, प्लस जी इंटू टी स्क्वायर। नीचे की तरफ प्लस क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वाई मैंने नीचे की तरफ लिया है, एक्सेलरेशन को नीचे की तरफ प्लस इसलिए मान रहे हैं कि नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया गया। अगर आप ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते तो माइनस जी लिखते, ठीक है ना। एस भी आपका मतलब वाई भी आपका नेगेटिव आ जाता है उस केस में, ठीक है। खैर ये आया पहली इक्वेशन ये, और दूसरी इक्वेशन ये, हमको क्या नहीं चाहिए, हमें टी नहीं चाहिए, हमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन चाहिए, हमें टी नहीं चाहिए। अगर हमें टी नहीं चाहिए यहां पर, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बेटा वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। टी कितना, एक्स बाय यू, टी कितना, एक्स बाय यू। तो कितना आएगा बेटा वाई, वाई आ गया एक्स स्क्वायर जी बाय टू यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जी बाय टू यू स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आ रहा मतलब क्या है, ये एक पैराबोला है। क्या बोला बेटा, पैराबोला, क्या बोला, पैराबोला, ठीक है। तो ये भी ये क्या है, ये एक पैराबोला है बेटा, क्या बोला है, पैराबोला है बेटा, याद रखना इसको। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी बाय टू यू स्क्वायर इज अ पैराबोला, ओके। तो ये इसकी भी इक्वेशन जो है बेटा, ये भी एक पैराबोलिक इक्वेशन है, पाथ इसका भी पैराबोला है, इक्वेशन आपके सामने ये आ रही है, ठीक है। तो सबसे टावर से फेंकने वाले जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलते हैं, स्कूल में मिलते हैं, या आईआईटी में मिलते हैं, नीट में मिलते हैं, वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल थ्रो के लिए मिलते हैं, क्योंकि उनके लिए हमारे पास कुछ रिजल्ट हैं, अच्छे रिजल्ट हैं, उनकी कैलकुलेशन भी आसान आती है।
अगर यही पर आप इसको किसी एंगल पे फेंक देते, करना यही होता, डिफरेंस कुछ नहीं आता, फर्क क्या पड़ता कि आपका यू वाई जीरो नहीं होता, तो ये यू वाई भी आ रहा होता, एक क्वाड्रेटिक यहां बन जाती, भाई इतना फर्क पड़ता, क्वाड्रेटिक बन जाती और कोई फर्क नहीं पड़ता, यू वाई आपका जीरो नहीं होता, यू एक्स आपका यू कॉस थीटा हो जाता, यू वाई आपका यू साइन, बाकी सब कुछ सेम होता, लेकिन कोई डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूला आपके पास नहीं आता, आपको क्वाड्रेटिक बनती उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली कम ही आते हैं, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है? तो बढ़ते हैं बेटा आगे, इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है? ये कह रहा है एक फाइटर जेट है जो फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली एट 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? एक फाइटर जेट है जो 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, मतलब एक सेकंड में 200 मीटर भाग रहा है, ठीक है ना? इससे भी तेज होते हैं फाइटर जेट, 200, 300, 400 मीटर पर सेकंड की रफ्तार रखते हैं वो, ठीक है? एक किलोमीटर की हाइट पे उड़ रहा है, मतलब 1000 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। तो ये 1000 मीटर की हाइट है, यहां पे एक एरोप्लेन उड़ रहा है, ये एरोप्लेन मान लिया हमने, ठीक है? कह रहा है कि इसका जो टारगेट है ग्राउंड पर, मान लिया कोई टेररिस्ट का कैंप है, कोई टेररिस्ट का कैंप है यहां पर, ठीक है ना? और उन टेररिस्ट के कैंप को उड़ाना है, ठीक है? तो इट वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय अ टेररिस्ट बेस कैंप, ठीक है? हाउ फार फ्रॉम द कैंप शुड इट ड्रॉप द बॉम्ब? क्या इसको बिल्कुल इसके ऊपर आने के बाद बॉम्ब को ड्रॉप करना चाहिए, या फिर इसको पहले ही बॉम्ब को ड्रॉप करना पड़ेगा ताकि बॉम्ब उड़ते हुए आए और यहां पे आकर टकराए? तो बेटा मैंने आपको पहले समझाया था, मोशन इन वनडी में ही समझा दिया था मैंने आपको, कि जब किसी चलते हुए व्हीकल से आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं लेनी है, उसकी वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल लेनी है एट द इंस्टेंट ऑफ ड्रॉप, ठीक है? तो ये जो व्हीकल था आपका, ये किस रफ्तार से उड़ रहा था, जो ये जेट था ये किस रफ्तार से उड़ रहा था, ये उड़ रहा था 200 मीटर पर सेकेंड से उड़ रहा था, तो यहां से जो बॉम्ब निकलेगा उसकी रफ्तार भी 200 मीटर पर सेकेंड ही लेनी होगी। तो अब जब ये एरोप्लेन 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से छोड़ता हुआ जाएगा, ठीक है ना, तो ये बॉम्ब कुछ इस तरीके से जाकर यहां कहीं पर टकराएगा, ठीक है ना? इस तरीके से जाकर यहां कहीं पर टकरा जाएगा, ठीक है? ओके, अच्छा जी। अगर ऐसा हो रहा है कि ये यहां पर टकराने वाला है 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से यहां पर टकराने वाला है, तो जो इसका रेंज है हमें ये रेंज निकालना है। एक तरीके से क्वेश्चन कह रहा है कि रेंज निकाल दो, हाइट दी है, यू दिया है, रेंज निकाल दो। तो बेटा रेंज का क्या फॉर्मूला था, क्या लिखवाया था, देखो अभी बता रहा हूं आपको क्या लिखवाया था आपको फॉर्मूला। देखो बेटा रेंज का फॉर्मूला बेटा u into under root 2h by g, कॉपी पेन लेके भैया बढ़िया से नोट बना लो। आर की वैल्यू क्या आ रही, यू अंडर रूट ऑफ 2h/g आ रही, ठीक है? तो यू कितना बेटा 200 मीटर पर सेकेंड, एच कितना है बेटा 1000 मीटर है, जी को 10 मान लेते हैं, तो 100 का रूट 10 बाहर आ गया 2000√2 मीटर में, या 2√2 किलोमीटर में आ गया। तो 2 into √2 किलोमीटर दूर ही उसको बॉम्ब को छोड़ देना पड़ेगा, उसको 2√2 किलोमीटर ही बॉम्ब को छोड़ देना पड़ेगा, बड़ा पीछे ही बॉम्ब को छोड़ देना पड़ेगा। आ रही बात समझ में आपको, 2√2 किलोमीटर दूर ही उसको बॉम्ब को रिलीज कर देना पड़ेगा, इतना डिस्टेंस पहले रिलीज करना पड़ेगा, तब जाके वो वहां पर टकराएगा, एक्सप्लोड होगा, टेररिस्ट कैंप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा बेटा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्मॉल बॉल है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बेटा, कह रहा है एक स्मॉल बॉल है और वो रोल कर रही है स्पीड यू से, और उसको एक स्टेयरकेस मिलता है जिसमें हर स्टेयर स्टेप की जो विड्थ है वो W है और हाइट H है। मतलब क्या हो रहा है यहां पे? यहां पर इस तरीके से हो रहा है, देखो
ठीक, एक बॉल यहां से रोल करती हुई आ रही थी, बॉल रोल करती हुई आ रही थी, ठीक है, ओके। अब जब ये बॉल यहां से रोल करती हुई आ रही है, इसको एक स्टेयर केस मिल गया और ये कह रहा है कि जो स्टेयर केस है इसके स्टेयर्स की हाइट एच है और विड्थ डब्ल्यू है, हाइट एच विड्थ डब्ल्यू, हाइट एच विड्थ डब्ल्यू, हाइट एच विड्थ डब्ल्यू, ऐसे करते करते स्टेयर केस जा रहे हैं। कह रहा है मिनिमम स्पीड यू सो दैट द बॉल फॉल्स ऑन द nth स्टेप, nth स्टेप पे बॉल फॉल करे, मतलब पहला टप्पा ही वहां पे गिरे, ये नहीं सर हम धीरे से करा दिया टप्पा 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 टप्पा, ऐसे नहीं करे, हम सीधा वहां पे जाए nth स्टेप पे जाए, सीधा फर्स्ट उसका जो हिट हो वही nth स्टेप पर हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यू की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए, उसके लिए यू की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए, उसके लिए U की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो देखो बेटा ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा क्या है बेटा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, और ये बेटा हमारा सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप है, ठीक, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। जब बॉल यहां से आ रही और आकर यहां से हम चाहते हैं कि सेकेंड स्टेप पे गिरे, तो सेकंड स्टेप पे बॉल तब गिरेगी, सेकंड स्टेप पे बॉल तब गिरेगी जब वो पहले स्टेप के कॉर्नर को पार करेगी, जब वो पहले स्टेप के कॉर्नर को पार करेगी तभी जाकर वो सेकंड स्टेप के ऊपर गिरेगी, अगर पहले स्टेप के कॉर्नर को ही वो पार ना कर पाए तो पहले स्टेप पे गिरेगी, दूसरे स्टेप पे पहुंचेगी ही नहीं, ठीक है ना। तो दूसरे स्टेप पे वो बॉल तब गिरेगी जब वो पहले स्टेप के कॉर्नर को पार कर ले, तो जस्ट सेकंड स्टेप पे पहुंचाने के लिए, जस्ट सेकंड स्टेप पे पहुंचाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बॉल को पहले स्टेप के कॉर्नर से पार कराना होगा, हमें बॉल को पहले स्टेप के कॉर्नर से पार कराना होगा, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेप पे गिरने के लिए पहले स्टेप का कॉर्नर पार कराना है, थर्ड स्टेप पे गिरने के लिए सेकंड स्टेप का कॉर्नर पार कराना है, nth स्टेप पे गिरने के लिए n माइनस वनथ स्टेप का कॉर्नर पार कराना होगा। मतलब अगर ये बॉल कुछ इस तरीके से जा रही होगी तभी गिरेगी, इसके कॉर्नर से टच होके जा रही होगी, पार करते हुए जा रही होगी, ठीक है। तो जस्ट इस कॉर्नर से पार करते हुए जा रही, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर बॉल यहां तक पहुंच रही है तो कितना नीचे आई होगी, कितना आगे गई होगी, कितना नीचे गई होगी, कितना आगे गई होगी, देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, तो पहले स्टेप पे पहुंचने के लिए उसको h नीचे आना है, दूसरे तक 2h, तीसरे तक 3h, तो n माइनस वनथ, n माइनस वनथ के लिए कितना नीचे आना पड़ेगा, उसको उसको आना पड़ेगा n माइनस वनथ इंटू h, इतना नीचे आना पड़ेगा। वैसे ही देखो सेकंड स्टेप तक पहुंचने के लिए, सेकंड स्टेप तक पहुंचने के लिए उसको w आगे जाना है, ठीक है ना, या ये कह सकते हैं कि पहले स्टेप के कॉर्नर तक पहुंचने के लिए उसको W आगे जाना है, दूसरे स्टेप के कॉर्नर तक पहुंचने के लिए उसको 2W आगे जाना है, तीसरे स्टेप के कॉर्नर तक पहुंचने के लिए उसको 3W आगे जाना है, n माइनस वन स्टेप के कॉर्नर तक पहुंचने के लिए उसको n माइनस वन इंटू W आगे जाना है। तो कितना नीचे जाना पड़ा उसको n माइनस वन एच, कितना आगे जाना पड़ा उसको n माइनस वन डब्ल्यू, नीचे आगे, समझ में आएगा आपको। तो मैं कह सकता हूं इसमें h की वैल्यू बेसिकली n माइनस वन एच है और इसके अंदर r की जो वैल्यू है वो n माइनस वन डब्ल्यू है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर r, r का फॉर्मूला होता है u अंडर रूट ऑफ 2h बाय g, r की वैल्यू पुट करेंगे n माइनस वन डब्ल्यू इक्वल टू यू, निकालना है हमें अंडर रूट ऑफ 2, एच क्या है बेटा एन माइनस वन इंटू एच डिवाइड बाय जी, ठीक है। यू हमको यहां पर सॉल्व करना है तो हम उसको या तो पहले स्क्वायर करके काट सकते हैं, अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है आपको तो हम एन माइनस वन का स्क्वायर करते हैं, डब्ल्यू स्क्वायर करते हैं, जी वहां पर आएगा, यू स्क्वायर करते हैं, टू एन माइनस वन इंटू एच आएगा, n माइनस वन से एक n माइनस वन कट जाएगा। अब ये 2h नीचे आएगा और u की वैल्यू हमें मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ, बेटा u की वैल्यू हमें मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ n माइनस वन g डिवाइड बाय 2h, और आप चाहो तो रूट में w स्क्वायर लिख सकते हो या ये w को बाहर निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें हमारा आंसर यहां पर मिल गया।
तो u की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई है। तो बेटा एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको यहां पर देखने को मिल सकता है, आ सकता है बेटा। ठीक है बेटा, तो हमने टावर से फेंक के देखा बॉल को, ठीक है, और दो टाइप के हमने यहां पर क्वेश्चन भी देखे कैसे हमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेटा अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा चीजों को और गंभीर करते हैं और बात करते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन की। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जब प्रोजेक्टाइल होगा तब क्या होगा। तो हमने कहा कि देखो बेटा ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, और ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और हमने कहा कि ये एंगल मान लिया अल्फा है और हमने एक पत्थर को यहां से फेंकना है, कुछ यू रफ्तार से फेंकना है और इस एंगल को हमने बीटा मान लिया। तो जो ये वाला एंगल है ये कहलाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोल सकते हैं इसको। ये बीटा एंगल कहलाता है बेटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्या है? ये है बेटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक, ओके। अब आपने जो ये पार्टिकल यहां पर फेंक दिया, ये कुछ इस तरीके से जाएगा और यहां कहीं पर लैंड करेगा, ठीक। अब देखो हम अभी तक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हुए आ रहे थे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऐसे लेते हुए आ रहे थे। एक बार हॉरिजॉन्टल ले ली, एक बार वर्टिकल ले ली, ठीक है, हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले ली, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ले ली, हम ऐसे लेते हुए आ रहे थे, ठीक है। तो भैया अब क्या करें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस हमने ले ली, तो अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे ये देखते हैं बेटा। ये यहां पर इस क्वेश्चन को लगाने का जो तरीका है वो तरीका बेटा ये होता है कि आपको अब अपनी एक्सिस इंक्लाइंड लेनी पड़ती है। ये एक्स लेनी होती है, ये वाई लेनी होती है, क्योंकि मोशन या तो आप ऐसे स्टडी करने वाले हैं या फिर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेने का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं बनता है, इसलिए हम यहां पर इंक्लाइंड एक्सिस को रखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला काम हम यही करते हैं, हम अपनी सारी वैल्यूज को जो है वो तोड़ लेते हैं, एक्स में वाई में सारी वैल्यूज को हम तोड़ लेते हैं। देखो सबसे पहले बेटा यू एक्स कितना आएगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में यू का कंपोनेंट कितना होगा, यू वाई कितना आएगा, मतलब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना होगा, ए एक्स कितना आएगा, ए वाई कितना आएगा। देखो बेटा इस बार ए एक्स जीरो नहीं होगा क्योंकि इस बार एक्स इस डायरेक्शन में नहीं है, एक्स इस डायरेक्शन में है, तो आपको इस डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट मिल सकता है। तो आपको ए एक्स भी निकालना है, ए वाई भी निकालना है। बेटा पॉज करो, कॉपी पेन लो, बढ़िया से सॉल्व करो। मेरा यू एक्स इतना आ रहा, यू वाई इतना आ रहा, ए एक्स इतना आ रहा, ए वाई इतना आ रहा, साथ साथ करोगे तो बेहतर समझ में आएगा। केवल देखने से लगता है हमें आ गया, लगता है हमें आ गया, लेकिन आता नहीं है, ठीक है ना। इसको ऐसे समझो कि मान लिया जंतर मंतर है, जंतर मंतर बताया गया आपको, भूल भुलैया पूरी, ठीक है ना, उसके अंदर चले गए। अब कोई एक एक्सपर्ट आपके साथ है जो जंतर मंतर का मतलब 100 बार जा चुका, उसको पूरा रास्ता पता है, यहां से ऐसे मुंडना है, यहां से वैसे मुंडना है, बढ़िया बढ़िया निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप उसके साथ चले गए जंतर मंतर के अंदर, ठीक है, जंतर मंतर के अंदर आपको ले गया भूल भुलैया के अंदर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि उसने पकड़ा आपका हाथ, फटाफट उसने लेके चलाया, देखो बेटा पहले जाना है, फिर इधर जाना है, फिर इधर जाना है, फिर इधर जाना है, फिर जाना है, फिर जाना है, और आपको लेके फिर एक रास्ते निकल गया, दूसरे रास्ते से बाहर निकल गया। बहुत सिंपल है, आपको भी लगेगा हाँ ठीक तो है, निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में सब कुछ आ गया है, रास्ता पूरा याद हो गया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जब अकेले जाओगे अंदर, जब अकेले जाओगे जंतर मंतर के अंदर, तो जंतर मंतर की माया में फंस जाओगे, जंतर मंतर की माया में फंस जाओगे बेटा। अंदर जाके सब भूल भुलैया हो जाएगा, अंदर जाके सब भूल भुलैया हो जाएगा। कब तक भूल भुलैया रहेगा? तब तक रहेगा जब तक आप खुद से
एक दो बार जाकर निकल नहीं जाते, खुद से आप जाओ, खुद से अपना रास्ता देखो, खुद से बनाओ, खुद से निशान लगाओ, खुद से समझ में आएगा अच्छा यहाँ से मुड़ना है, वहाँ से नहीं मुड़ना है, यहाँ से जाना है, वहाँ से जाना है, ठीक है ना। दो तीन बार ही खुद से जाओगे तो आप भी एक्सपर्ट बन जाओ। यही काम बेटा यहां पर भी है। ये एक जंतर मंतर की माया है, ये फिजिक्स की माया है, ठीक है ना। इस माया में जब तक मैं आपका हाथ पकड़ के चलाऊंगा, आपको लगेगा बेटा सब समझ में आ रहा है, सही तो है, बड़ा आसान है। एक दो कमेंट्स पढ़ रहा था, बच्चे लिख रहे थे कि सर आप तो ऐसे पढ़ा रहे हो जैसे हलवा है, ठीक है। वो लगेगा आपको, महसूस होगा आपको, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, जब अकेले बैठे होगे तब कुछ समझ नहीं आएगा। तो उसका रास्ता क्या है बेटा, उसका रास्ता है खुद से करना है, खुद से करना है। बार बार कहता हूं बेटा पॉज करो, साथ में खुद से करो। केवल देखने से नहीं आएगी फिजिक्स, करने से आएगी। केवल देखने से नहीं आएगी फिजिक्स, करने से आएगी। आप करोगे तो समझ में आएगा, आप करोगे तो समझ में आएगा बेटा। यूएक्स यूवाई एक्स एवाई कितना होगा, पॉज करो, कॉपी में बनाओ, कमेंट्स में आंसर लिखो। पॉज करो, कॉपी में बनाओ, कमेंट में आंसर लिखो बेटा कि सर मेरा ये आ रहा था, मेरा ये आ रहा था। कमेंट से मुझे याद आया, लास्ट में कुछ बच्चों के नाम भी लेने हैं मुझे, ठीक है ना। तो लेंगे, उसका इंतजार करिए, ठीक है, आएगी उसकी बारी। खैर, यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई निकालना है हमें यहां पर। तो देखो देखो बेटा, ये और ये कंपोनेंट, तो बीटा के साथ वाला, बीटा के साथ वाला कॉस बीटा होता है और दूसरे वाला साइन बीटा होता है। तो बेटा ये आपको लिखा जाएगा ux, क्योंकि ये x के अलोंग है, ये x के अलोंग है, इसलिए ये क्या है, ये ux है। ये y के अलोंग है, इसलिए क्या है बेटा, ये uy है। तो ux कितना आया, ux आया u cos बीटा, uy कितना आया, uy u sin बीटा। आई थिंक ये तो सबने आराम से निकाल लिया होगा, दिक्कत आ रही होगी ax ay निकालने में, दिक्कत आ रही होगी ax ay निकालने में। तो निकालते हैं बेटा ax ay को भी। ए किधर होता है बेटा, ए होता है नीचे कितना, जी के बराबर। ए होता है नीचे कितना, जी के बराबर। तो यहां पर ध्यान से देखते हैं, ये एंगल अल्फा है और मैं अगर यहां पर एक नॉर्मल बना दूं तो जो ये होगा ये वाई के पैरल होगा, जो ये वाई के पैरल होगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नॉर्मल, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये है नॉर्मल, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये है नॉर्मल, ठीक है बेटा। तो ध्यान से, ये एंगल अल्फा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये एंगल कितना होगा बेटा, अल्फा होगा। और ये क्या है बेटा, ये है नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये ठीक। तो अब जो मैं बताने वाला हूं उसको आपको भली भांति अपने दिमाग में डाल लेना है, बढ़िया से समझ लेना है, कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं होनी चाहिए, उसको भूलना नहीं है, उसको याद रखना है। न्यूटन लॉज में बार 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 करेंगे, ठीक है ना, और बिना गलती के एंगल निकालना सीखेंगे। तो जो बता रहा हूं उसको याद रखना, क्या बता रहा हूं देखो बेटा अच्छे से ध्यान रखना, जितना एंगल इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से बनाता है, जितना एंगल इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से बनाता है उसकी नॉर्मल वही एंगल वर्टिकल से बनाती है, उसकी नॉर्मल वही एंगल अल्फा देखो वर्टिकल से बनाती है। इसको याद रखना है बेटा, जहां पर भी क्वेश्चन आएगा आपको दिखाऊंगा, बार बार दिखाऊंगा, करता रहूंगा, एक लाइन में आंसर निकालूंगा, याद रखना है। मैं यहां लिख के दे रहा हूं, क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखना, जितना एंगल इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है उतना एंगल नॉर्मल वर्टिकल के साथ बनाता है। ठीक है ना, इस चीज को आपको रखना है याद, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितना एंगल
इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है उतना ही एंगल नॉर्मल वर्टिकल के साथ बनाता है। तो ध्यान से देखो बेटा, इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा था, इसलिए उसका नॉर्मल वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल बना रहा था। ठीक, अब आप कंपोनेंट निकाल ले जाओगे बड़े आराम से। अब आप कहोगे कि सर अब तो हमें दिक्कत नहीं है, अब हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, अब हम चीते हो गए। कैसे चीते हो गए, देखो अल्फा के साथ जो एंगल होता है वो होता है कॉस अल्फा। ठीक है ना, जो कंपोनेंट होता है वो होता है कॉस अल्फा, और जो दूसरे वाला होता है वो होता है साइन अल्फा। अल्फा के साथ कॉस अल्फा, दूसरे वाला साइन अल्फा। अल्फा के साथ कॉस अल्फा, दूसरे वाला साइन अल्फा। जी कॉस अल्फा, जी साइन अल्फा, जी कॉस अल्फा, जी साइन अल्फा। U cos beta, U sin beta, ठीक है। अब देखो बेटा, अब देखो ध्यान से देखो बेटा, देखो AX, X इस डायरेक्शन में है, लेकिन AX इस डायरेक्शन में है, एक्सलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो X से उल्टा है, इसलिए नेगेटिव लिखना पड़ेगा। और कितना लिखेंगे हम, G sin alpha। आई बात समझ में। अब बात करते हैं y की। y इस डायरेक्शन में है लेकिन ay इस डायरेक्शन में है, y इस डायरेक्शन में है लेकिन ay इस डायरेक्शन में, ay y से उल्टा है, तो लिखेंगे कितना इसको, g cos alpha। तो माइनस g sin alpha प्लस g cos alpha, ux uy ax ay, ux uy ax ay, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, ux uy ax ay हमारे पास ये वैल्यूज आ चुकी। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर, हमने कंपोनेंट्स में तोड़ चुके हैं, हम कंपोनेंट्स में सब कुछ बढ़िया से तोड़ चुके हैं। अब देखो यहां पे बात करते हैं कहां पे क्या क्या जीरो है, कहां पे क्या क्या जीरो है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं बेटा इस पॉइंट की, क्या ये प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट है? नो, हाईएस्ट पॉइंट बेटा यहां कहीं पर है, हाईएस्ट पॉइंट तो यहां कहीं पर है, ये प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट नहीं है ना, हम वो निकालना चाह रहे हैं फिलहाल। हमने कह रहे भाई ग्राउंड से हाईएस्ट निकालो, ग्राउंड हाइट तो पता ही हमें ना, मैक्सिमम हाइट तो पता ही है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय जी, हाईएस्ट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर डिवाइड बाय जी, जो हमारे फॉर्मूले थे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल वाले, यहां लगेंगे आंसर निकलेगा। लेकिन यहां पर हम जानना चाह रहे कि ये इंक्लाइंड प्लेन से कितना दूर गया, मतलब वाई में मैक्सिमम कितना आ गया, वाई में मैक्सिमम कितना है। ठीक है ना, तो देखो जब तक इसकी वेलोसिटी वाई में रहेगी तब तक ये वाई में जाता रहेगा, तब तक ये वाई में जाता रहेगा। ठीक है, जब ये यहां पर आएगा तो इसकी वाई की वैल्यू कम हो रही होगी, एक्स की भी कम हो रही होगी। ठीक है, वाई की भी कम हो रही होगी, एक्स की भी कम हो रही होगी। यहां पर इसकी वाई वाली जीरो हो जाएगी और केवल एक्स वाली बचेगी। अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो यहां पर, तो जो टेंजेंट होगी वो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल आपको मिलेगी, और यहां पे वेलोसिटी केवल और केवल एक्स में बचेगी, और वेलोसिटी इन वाई यहां पर क्या होगा, जीरो होगा। हाइएस्ट पॉइंट फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन, हाइएस्ट पॉइंट फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन कितना ऊपर होगा, हाइएस्ट पॉइंट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन कितना ऊपर होगा, ये ऊपर होगा बेटा वहां पर जहां पर वी वाई जीरो होगा, वहां पर जहां पर वी वाई जीरो होगा। अगर वी वाई जीरो नहीं होता तो वो और ऊपर जाता, वो और ऊपर जाता, इसके बाद वी वाई नेगेटिव हो जाएगा तो वो वापस आना शुरू कर देगा, इसके बाद ये वापस आएगा, वापस आएगा, वापस कहां लैंड करेगा, एक्स पे लैंड करेगा। तो यहां पर क्या चीज जीरो होगी बेटा, यहां पर क्या चीज जीरो होगी, तो ध्यान से देखो, उसने एक्स से स्टार्ट किया और वापस एक्स पे लैंड किया, एक्स से स्टार्ट किया वापस एक्स पे लैंड किया, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो बेटा वाई में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, जितना ऊपर गया उतना नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में ही है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट किसमें है बेटा, डिस्प्लेसमेंट केवल एक्स डायरेक्शन में है। आप देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से लेकर यहां इस तरफ है ना, डिस्प्लेसमेंट एक्स में है, वाई में कितना है, कुछ नहीं है, वाई में कितना है, कुछ नहीं, जितना ऊपर गया था वापस नीचे आ चुका, जितना ऊपर गया वापस नीचे आ चुका, सारा डिस्प्लेसमेंट किसमें है बेटा, एक्स में है, वाई में डिस्प्लेसमेंट नहीं है,
वाई में डिस्प्लेसमेंट नहीं है बेटा। आई बात समझ में आपको? तो यहां पर क्या चीज जीरो करनी है, यहां पर एस वाई को जीरो करना है, यहां पर एस वाई को जीरो करना है, ठीक है। यहां पर हमने एस वाई को जीरो कर दिया। चलिए अब हम यहां पे कुछ चीजें निकालने वाले हैं। पहले चीज हम निकालेंगे यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर ये हवा में रहा। दूसरी बात हम यहां पर निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट, कितना ऊपर गया। तीसरा हम निकालेंगे यहां पर रेंज, कितना रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन, रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल ली, इंक्लाइंड प्लेन पे कितना ऊपर गया, मतलब ये निकालेंगे आर। ये आर होगा, ये एच होगा, और कितनी देर हवा में रहा वो टी होगा। टी एच और आर अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं, इसकी डेरिवेशन हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। आइए दोबारा से डायग्राम बनाते हैं, काफी कुछ एक स्लाइड पे हो गया, हौच-पौच ना हो जाए, साफ सुथरा करने के लिए हम आते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखो बेटा, हमने कहा कि ये एंगल हमारा अल्फा है और हमने पार्टिकल को बीटा पर फेंका है, ठीक है। हमने पार्टिकल को बीटा पर फेंका है, एंगल अल्फा है, बीटा पर फेंका है। तो ये गया इस तरीके से, लैंड किया यहां पे, ये हमारा एक्स एक्सिस बन गया था, ये हमारा वाई एक्सिस बन गया था। यहां पर हमने कहा था कि वी वाई जीरो है और यहां हमने कहा था कि एस वाई जीरो है, यू से फेंका था। इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो थी यू कॉस बीटा, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो थी यू साइन बीटा। डाउन द इंक्लाइंड प्लेन जो हमारे पास एक्सेलरेशन थी वो आई थी जी साइन अल्फा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन आई थी जी कॉस अल्फा, जी साइन अल्फा, जी कॉस अल्फा। इसको भी आप चाहे डायरेक्टली याद कर सकते हैं, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन जी साइन अल्फा होती है, परपेंडिकुलर टू इट जी कॉस अल्फा होती है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से लेकर यहां तक का समय, यहां से लेकर यहां तक का समय, मतलब पूरे पूरे जर्नी की बात कर रहे हैं। पूरे जर्नी के लिए हम इसको इनिशियल मान लेंगे, इसको फाइनल मान लेंगे, और हम कह रहे हैं कि एस वाई जीरो है, एस वाई जीरो है, केवल एस एक्स आ रहा है, एस वाई जीरो है। अब क्योंकि एस वाई जीरो है, क्योंकि यहां पर हम कह रहे हैं कि एस वाई जीरो है, सो वी विल यूज द इक्वेशन दैट एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक। तो अब एस वाई तो जीरो है, यू वाई कितना है बेटा, यू वाई, यू वाई है हमारे पास यू साइन बीटा, टी निकालना है, ए वाई, ए वाई नेगेटिव आ रहा है, माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ठीक। देखो बेटा, स्कूल के अंदर नहीं कराते हैं आपको इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, स्कूल के अंदर नहीं कराते इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, मैं कंपटीशन के हिसाब से बता रहा हूं, आईआईटी के लिए बेसिकली बता रहा हूं आपको। तो इंक्लाइंड प्लेन टावर तक आता है, इंक्लाइंड प्लेन तक आते आते स्कूल वालों के हाथ पैर फूल जाते हैं, तो वो ज्यादा नहीं बताते हैं, वो नहीं है बेसिकली एनसीईआरटी में, ऐसा भी मुझे बोलना नहीं चाहिए, एनसीईआरटी में बेसिकली वो नहीं दे रखा इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर में कुछ ज्यादा, ठीक है। फिर भी मैं करा रहा हूं, अगर आपको स्कूल में कराया गया है बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए, ठीक है। नहीं कराया तो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, और आईआईटी नीट के बच्चे बढ़िया से इसको देखते रहे, ठीक है। आइए बढ़ते आगे, टी की वैल्यू आपको कितनी आ रही है, टू यू साइन बीटा डिवाइड बाय जी कॉस अल्फा, टू यू साइन बीटा डिवाइड बाय जी कॉस अल्फा के बारे के बराबर वैल्यू हमारी आ गई। तो टू यू साइन बीटा कितना होगा, यू साइन बीटा होगा यू वाई, ये कितना होगा यू वाई, और जी कॉस अल्फा कितना है, ये है मॉड ऑफ ए वाई, मॉड ऑफ ए वाई। तो ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई, ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे और बात करते हैं मैक्सिमम हाइट अचीव, कितनी हाइट इसने अचीव करी है, ये हाइट हम जानना चाह रहे हैं, ये हाइट हम जानना चाह रहे हैं कितनी आएगी। तो देखो बेटा, यहां पर हाइट किस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं हम, वाई डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि एस वाई की वैल्यू एच है, एस वाई की वैल्यू एच है, वी वाई जीरो है, एस वाई की वैल्यू निकालनी है क्योंकि एच के बराबर हमने लिखी है यहां पर। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं दैट दैट वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस वाई, लिख सकते हैं वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस वाई,
वी वाई कितना हमारे पास जीरो, यू वाई कितना हमारे पास यू साइन बीटा, ए वाई कितना बेटा हमारे पास माइनस जी कॉस अल्फा, और एस वाई कितना एच हमें निकालना है। तो यहां से हम देखें तो एच की वैल्यू कितनी आ रही, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय 2g cos अल्फा डिवाइड बाय 2g cos अल्फा, ये वैल्यू हमारे पास h की आ रही है। h की वैल्यू है u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय 2g cos अल्फा के बराबर। अब आप चाहें तो कर सकते हैं साइन u साइन बीटा इज uy, यू वाई का स्क्वायर बाय 2g cos अल्फा इज मॉड ऑफ ay, इज मॉड ऑफ ay, तो uy डिवाइड बाय 2ay। कहीं ना कहीं ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल वाले फॉर्मूले से रिजेंबल कर रहे हैं, कंपोनेंट्स की वैल्यू अलग अलग आ रही, लेकिन रेंज का जो फॉर्मूला होगा वो रिजेंबल भी नहीं करेगा, रेंज का फॉर्मूला बिल्कुल अलग फॉर्मूला आता है। क्योंकि रेंज जब आप ग्राउंड टू ग्राउंड में निकालते हैं तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होती, लेकिन यहां पर एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन आ रही है, इसलिए रेंज का फॉर्मूला थोड़ा यहां पर आता है अलग। कैसे निकलेगा बेटा रेंज का फॉर्मूला देख लो। रेंज मतलब आपको एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आपको ये निकालना है ये कितना आएगा, ये एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। तो हमने कहा बेटा एक्स डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा एस एक्स, जो होगा आर के बराबर वो होगा बेटा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब देखो बहुत लंबी सी वैल्यू आने वाली है आर की, हम पूरी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, फॉर्मूला बस डाल के दिखा रहा हूं मैं आपको, डरना नहीं है। यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू एक्स की वैल्यू है बेटा यू कॉस बीटा, टी की वैल्यू कितनी है बेटा, टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है टू यू साइन बीटा डिवाइड बाय जी कॉस अल्फा प्लस हाफ। ए एक्स कितना है, ए एक्स है बेटा माइनस जी साइन अल्फा, माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी का स्क्वायर, जो टी की जो ये वाली वैल्यू थी इसका स्क्वायर और करना है, मैं यहां लिख देता हूं, हालांकि बहुत ज्यादा कुछ सेंस नहीं है आगे और बढ़ने का लिखने का, बट फिर लिख देता हूं। तो बेटा इस फॉर्मूले को आपको याद नहीं करना है, इतना लंबा बड़ा फॉर्मूला आ गया इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा कॉमन वॉमन लिखा थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट फिर भी याद करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। अगर पहली बात तो बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि इतना लंबा कोई आपसे आर निकालने के लिए कहे, और फिर भी अगर आपको आता है तो वो वैल्यू देगा आपको, आपको वैल्यू देगा मतलब यू की एक वैल्यू होगी, बीटा अल्फा की कुछ वैल्यू होंगी, कंपोनेंट्स की वैल्यूज आएंगी, और उसके बाद केवल एक इक्वेशन ही तो है, बस लगानी है आंसर निकालना है। टाइम ऑफ फेयर का फॉर्मूला आप कर सकते हो, इसको आप याद कर सकते हो, इसको आप याद कर सकते हो, ये आप याद कर सकते हो, और इस फॉर्म में याद करो, इस फॉर्म में याद करो, शॉर्ट फॉर्म में याद करो इसको, इस फॉर्म में आप फॉर्मूले को याद कर लो किसके, टी की और एच से। अगर ये पूछा खट करके आंसर, ये पूछा खट करके आंसर, और अगर ये नहीं पूछा आर पूछ लिया तो कोई नहीं, टी तो एक लाइन में निकला, उसके बाद एक ही क्वेश्चन तो लगानी है, बस एक ही तो क्वेश्चन लगानी है आपको, बस लगा देना, क्यों अल्फा बीटा सबको याद करके बैठते हो, कोई जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले को याद करने की। इक्वेशन होगा कैसे ये आपको करना है याद, होगा कैसे ये आपको करना है याद। लेकिन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के अंदर हमने एक बात करी थी, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के अंदर हमने एक बात करी थी कि मैक्सिमम रेंज कितना होता है, कितना दूर हम फेंक सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर भी बेटा मैक्सिमम रेंज का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आता है, और मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस आर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इक्वल टू जीरो पुट करना पड़ेगा, बड़ा लेंथी बड़ा कॉम्प्लेक्स, आर इतना लंबा है तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, बहुत लंबा जाएगा ना, ठीक है ना। तो आपके लिए लेकर आया हूं एक सुपर ट्रिक, जो ना ही तो मिलेगी आपको किसी बुक के अंदर, ना ही कहीं मिलेगी आपको किसी फैकल्टी के द्वारा। तो एक बहुत ही सुपर ट्रिक आपके लिए लेकर आ रहा हूं, और इस ट्रिक को अगर आप समझ गए तो आप तुरंत बता पाओगे कि कितने एंगल पर फेंके कि रेंज मैक्सिमम हो, कितने एंगल पर फेंके कि रेंज मैक्सिमम हो, ठीक है बेटा। देखो अगर ग्राउंड टू ग्राउंड समझते हैं तो वहां पर कितना एंगल आया था बेटा, 45 डिग्री का आया था ना मैक्सिमम रेंज के लिए, तो 45 को आप कैसे समझ सकते हो। देखो ग्राउंड टू ग्राउंड मतलब आप इसको एक इंक्लाइन प्लेन मान लो जिसका इंक्लिनेशन जीरो है, बिल्कुल फ्लैट बैठा हुआ है, तो ये मेरा इंक्लाइन प्लेन हो गया,
और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, what is this? ये है आपका लाइन ऑफ ग्रेविटी। ये क्या है, लाइन ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हो इसको, जिसके अलोंग ग्रेविटी लग रही, जिसके अलोंग ग्रेविटी लग रही। आपने इंक्लाइंड प्लेन और लाइन ऑफ ग्रेविटी के बीचों बीच फेंका है ताकि रेंज क्या हो, मैक्सिमम हो। रेंज क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। अगर अगर आपने कहा कि ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन है जो कि एंगल अल्फा पर है, तो जो ये वर्टिकल लाइन है ये है आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी। कोई क्वेश्चन पूछे आपसे मैक्सिमम रेंज के लिए, बेटा बताओ मैक्सिमम रेंज के लिए, बेटा बताओ कितने एंगल पर फेंकना पड़ेगा, मैक्सिमम रेंज के लिए कितने एंगल पर फेंकना पड़ेगा, तो ऑल यू नीड टू से इज कि सर जो ये लाइन ऑफ ग्रेविटी और इंक्लाइंड प्लेन है इसके बीचों बीच फेंकना है, मतलब अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होना चाहिए, बीटा बीटा होना चाहिए। लाइन ऑफ ग्रेविटी इंक्लाइंड प्लेन के बीचों बीच फेंक दो, रेंज मैक्सिमम हो जाएगी, रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90, बीटा इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2, 45 माइनस अल्फा बाय 2, इतने एंगल पर फेंकोगे रेंज आपको मिलेगी मैक्सिमम। बेटा अच्छा लगा, समझ में आया तो ठोको ताली। ठीक है बेटा, समझ गए आप इसको, बीटा की वैल्यू ये आ गई। अब मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं, मैं फॉर्मूला आपको दे देता हूं। आर मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाय जी 1 प्लस साइन अल्फा, यू स्क्वायर बाय जी 1 प्लस साइन अल्फा तुरंत निकलेगा। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये पूछेगा, हमारा आंसर ये आएगा। लेकिन आमतौर पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस के अंदर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कम आते हैं। हाँ, मैक्सिमम रेंज पूछेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर ही पूछेगा आपसे, लेकिन एडवांस्ड में अगर आपको क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है वो आपको इक्वेशंस बनाने के लिए मजबूर करे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम यहां पर देख सकते हैं बेटा। ये कह रहा है प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम द बॉटम ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट इट हिट्स द इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमारे पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। अब ये कह रहा है कितने एंगल पर फेंके, व्हाट शुड बी बीटा सो दैट इट हिट्स द इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलरली। ये इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलरली हिट करे कितने एंगल पर हमें फेंकना चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, इसको मैं अब आपको दे रहा हूं एज अ चैलेंजर। ठीक है, सॉल्व करना है इसको बेटा, कमेंट्स में अपने आंसर लिखने हैं, कमेंट्स में आपको आपके आंसर लिखने हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको सॉल्व आपको करना होगा। ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं, यहां पर हम प्रीवियस लेक्चर के चैलेंज की हम यहां पर बात करते हैं बेटा। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन था कि एक स्टोन है जिसको थ्रो किया गया है यू स्पीड से थीटा एंगल पर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से। फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। बेटा इस क्वेश्चन को करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, आज जो मेथड डिस्कस करने वाला हूं मे बी दैट इज नॉट द इजिएस्ट मेथड, क्योंकि जो इसका इजीएस्ट मेथड है उसमें वेक्टर लगता है, उसमें हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट मैंने अभी आपको पुराने लेक्चर्स में पढ़ाया नहीं था, केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन तक पढ़ाया था, तो अभी मैं डॉट प्रोडक्ट वाला मेथड यहां पर इस्तेमाल नहीं करने वाला हूं। मे भी थोड़ा सा लेंथी मेथड हो मेरा, बट वी कैन स्टिल सॉल्व इट। ठीक है, लेट सी हाउ। तो कह रहा है एक स्टोन है थ्रो किया गया है यू स्पीड से थीटा एंगल पे, कुछ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, कह रहा है टाइम आफ्टर विच इट्स वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। जिसने लास्ट लेक्चर देखा हो वही करेगा इस क्वेश्चन को ना। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर जरूर देख लेना, क्वेश्चन को देखने से पहले, सॉल्यूशन देखने से पहले। ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं वो समय जब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। इस एंगल को हमने ले लिया 90 डिग्री हमने यहां पर ले लिया इसको। अब इसका मतलब क्या है, देखो बेटा यहां पर हमने कहा कि अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये थीटा ये 90 तो ये कितना होगा बेटा, 90 माइनस थीटा होगा। दैट मींस ये कितना होगा बेटा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक,
यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके वंडरफुल। अब इस वी के अगर टुकड़े करें, एक इस डायरेक्शन में टुकड़ा आएगा, एक नीचे की तरफ टुकड़ा आएगा, तो ये एंगल बनेगा थीटा, ये 90 मिनट एंगल बनेगा थीटा, तो थीटा के साथ होता है कॉस थीटा, ये होगा वी कॉस थीटा, और ये कितना होगा बेटा, ये होगा वी साइन थीटा। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी बदलती नहीं है, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी के टुकड़े करूं तो ये होगा यू कॉस थीटा, ये होगा बेटा यू साइन थीटा, तो ये कंपोनेंट तो बदलता नहीं है, तो ये वी साइन थीटा कुछ और नहीं बल्कि यू कॉस थीटा ही होगा। यहां से हमें मालूम पड़ेगा बेटा कि v की वैल्यू होनी चाहिए u cos थीटा बाय sin थीटा, ठीक, u cos थीटा बाय sin थीटा इसकी वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा जी, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो ये वाला कंपाउंड कितना हो जाएगा, मैं इसको vy बोल देता हूं, vy की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, v cos थीटा थी, बट v की वैल्यू कितनी है ये है, तो मैं इस वैल्यू को यहां पुट करता हूं, तो कितना आएगा बेटा, u cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा इनटू cos थीटा, u cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा इनटू cos थीटा, तो v ये रहा v cos थीटा, ये क्या है vy है। अच्छा जी, तो कितना है u cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा नीचे की डायरेक्शन में vy। अच्छा ये क्या है, ये है uy, uy हमें मालूम पड़ गया, vy मालूम पड़ गया, और t निकालना है, तो मैं इक्वेशन यूज करूंगा बेटा vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इनटू t, vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ए वाई इंटू टी, मैं ये इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा। तो वी वाई कितना है बेटा, वी वाई कितना है, वी वाई हमारे पास यहां पर आ रहा है, देखो ये नीचे की तरफ है, वी वाई नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा, लिखूंगा माइनस यू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू यू वाई, कितना है मेरे पास, यू वाई है बेटा यू साइन थीटा, और ए वाई कितना है बेटा, माइनस जी इंटू टी। तो यहां पर जब मैं इसको इस तरफ और इसको इस तरफ लेके जाता हूं, तो gt की जो वैल्यू आने वाली है, ये आने वाली है बेटा u sin थीटा प्लस u cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin थीटा एंड दैट इज gt। तो t की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा 1, तो u बाय g sin थीटा ये वैल्यू हो जाएगी t की। So that is the correct answer. U by G sin theta is the correct answer. ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा था लास्ट क्लास के अंदर जो बच्चा सही आंसर देगा उसका मैं आपको नाम बताऊंगा। So let me grab my phone और देखते हैं किन बच्चों ने लास्ट क्लास में इसका आंसर सही सही दिया था। Let me just open it quickly. ओके, बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, देखते हैं। ओके, दो सेकंड पहले एक बच्चे ने आंसर दिया है, आयुष केशरी, ठीक है, लेकिन इसका आंसर गलत है बेटा, इसने टू यू साइन थीटा बाय जी लिखा है, गलत है, ठीक है, देखते किनका आंसर सही है। ओके 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 ओके, यू बाय जी साइन थीटा, मिहिर ठक्कर, मिहिर ठक्कर U by G sin theta, बिल्कुल ठीक जवाब बेटा। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 2U sin theta by G, गलत है बेटा। चेतन U by G sin theta, बिल्कुल ठीक, करेक्ट, गुड। और देखते हैं बेटा, अनिल कुमार यू बाय यू यू कॉसेक थीटा बाय जी, बात एक ही है, वेरी गुड। ओके ओके ओके, और ढूंढते हैं और ढूंढते हैं ढूंढते हैं, गलत गलत गलत। आशु आशु आशु, U by G sin theta, करेक्ट। इल्मा खान T equals to U by G sin theta, करेक्ट।
वेरी गुड. गीत प्रतिम, यू बाय कोसेक थीटा, यू कोसेक थीटा बाय जी, करेक्ट. ओके 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 ओके. निशांत, यू बाय जी सेंटर, करेक्ट, गुड. अनुज त्यागी, यू कोसेक थीटा जी, नहीं बेटा डिवाइड बाय जी आएगा. ट्रैश टीवी, यू बाय जी साइन थीटा. सोनाली यादव, यू साइन थीटा बाय जी, गलत है बेटा. ओके बेटा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है. आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोग पूरी क्लास देख रहे हैं, लास्ट तक देख रहे हैं. लास्ट में मैंने कहा था ये बात, तो आप लोग पूरी क्लास देख रहे हैं. आई एम वेरी वेरी हैप्पी बेटा. पूरी क्लास देखना इसी तरीके से. टी इक्वल्स टू यू बाय जी साइन थीटा, करेक्ट बेटा. संदीप, संदीप दाव, बिल्कुल करेक्ट. ठोको ताली, वेरी गुड. अशोक पाठक, यू बाय जी साइन थीटा, करेक्ट. ओके ओके. यू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, गलत है बेटा. हर्षद, गलत है. ओके बेटा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है. 800 समथिंग कमेंट्स आ चुके हैं ऑलरेडी. अब सारे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया. आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं. इसी तरीके से बेटा पढ़ते रहिएगा आप लोग, ठीक है. तो आज की क्लास को यहीं पर हम रैप अप करेंगे. ध्यान रखिएगा बेटा, जीनियस इज 10% इंस्पिरेशन एंड 90% परस्पिरेशन. पसीना बहाना पड़ेगा बेटा, याद रखो. भाग मिल्खा भाग में कौन भागा था? मिल्खा सिंह. पसीने से बाल्टियां भरी थी उसने, तब जीता था वो. आपको भी बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे बेटा, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा. तो मिलेंगे बेटा अगले लेक्चर में. पढ़ते रहिए. टाटा, सी यू, बाय बाय. पढ़ाई करते रहे. ऑल द वेरी बेस्ट.